जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेज बाउचर के बारे में। कौन से बाउचर के बारे में? परचेज बाउचर के बारे में। देखिए, सबसे पहले आज की टैली की क्लास में आपको ये जानना है कि परचेज बाउचर का इस्तेमाल कौन कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, या परचेज बाउचर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे परचेज बाउचर लिखा हुआ है और इसकी शॉर्टकट की क्या लिखा है, F9। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज बाउचर में करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस क्या करते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री हमको परचेज बाउचर में करना होता है। और कह रहा है कि यह गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन में हमें उसकी एंट्री परचेज बाउचर में करनी होती है। या तो आप नगद खरीदेंगे, नहीं तो आप उधार खरीदेंगे। अगर खरीदने से संबंधित है तो आप ये समझिए कि उसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री आप किस बाउचर में करेंगे, परचेज बाउचर में करेंगे। और जिसकी शॉर्टकट की होता क्या है, F9 होता है। समझ में आ रहा है ना? अकाउंटिंग के अंदर अगर हम कुछ भी परचेज करेंगे, या तो हमारा वो गुड्स हो या तो फिर हमारा वो सर्विस हो, इन कंडीशन में हम क्या करेंगे कि परचेज बाउचर का हम इस्तेमाल करेंगे। या तो हम नगद खरीदें या उधार खरीदें, दोनों ही कंडीशन में हमको परचेज वाउचर में एंट्री करनी होती है। और जिसकी शॉर्टकट की क्या होता है, F9 होता है। देखिए, इसके पहले भी मैंने आपको वाउचर के बारे में पढ़ाया है, और वाउचर के बारे में मैंने आपको बताया था तो मैंने ये भी आपको बताया था कि पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम पार्टिकुलर वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारे वाउचर के बारे में पढ़ाया है, जैसे कि आपका रिसिप्ट वाउचर हो गया, आपका कंट्रा वाउचर हो गया, पेमेंट वाउचर हो गया, ये सारे वाउचर की एंट्री मैंने अलग अलग आपको बताया है। उसी के जैसे अगर हम परचेज वाउचर के बारे में बात करें तो परचेज वाउचर की शॉर्टकट की F9 होती है। यानी कि अगर हम कुछ भी गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री करने के लिए हमको परचेज वाउचर का इस्तेमाल करना होता है। और इसमें बताया जा रहा है कि परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। कितने मोड में? 3 मोड में की जाती है। इसके पहले तो हम लोगों ने अभी बस 2 ही मोड के बारे में समझा था, एक डबल एंट्री मोड और दूसरा आपका सिंगल एंट्री मोड। लेकिन जैसे ही परचेज की ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है तो इसके मोड हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 मोड में इसकी एंट्री की जाएगी। पहला लिखा हुआ है आइटम इनवॉइस मोड। पहला क्या लिखा है? आइटम इनवॉइस मोड। और सेकेंड आपका लिखा हुआ है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। और तीसरा आपका है एज ए बाउचर मोड। ये तीनों मोड की एंट्री कब किस कंडीशन में किया जाएगा ये हम अभी बता रहे हैं। आप ये समझिए कि जब भी परचेज बाउचर को हम रिकॉर्ड करेंगे तो मोडों की संख्या 3 होगी, और इसी 3 मोड में हम अपनी क्या करेंगे, परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। अब कैसे हम समझेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन आइटम इनवॉइस मोड में जाएगा, कौन सा ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में जाएगा, और कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा एज ए बाउचर के मोड में जाएगा, तो इसकी पूरी इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन जो दे रहा है आपका, मतलब कि अकाउंटिंग पहला क्या दिया है, आइटम इनवॉइस मोड। वह कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको हम मतलब सॉल्व करने के लिए आइटम इनवॉइस मोड का हम इस्तेमाल करते हैं, या आइटम इनवॉइस मोड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, तीनों वाउचर के बारे में आपको समझना है कि वाउचर मोड क्या होता है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड क्या होता है, और आइटम इनवॉइस मोड क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला आपका दिया हुआ है एज ए बाउचर मोड। पहला क्या लिखा है, एज ए बाउचर मोड। और कह रहा है कि इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें कि इन्वेंटरी यानी कि गुड्स आपका रिकॉर्ड ना करना हो। मतलब जब आपको ये मतलब परचेज तो आप कर रहे हैं लेकिन आपको गुड्स का नाम नहीं पता, इस केस में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको जो है एज ए बाउचर मोड का इस्तेमाल करना होता है। जैसे ट्रांजेक्शन में मैंने आपको बताया था परचेज गुड्स ऑन कैश RS 20,000, 20,000 रुपये का सामान खरीदा गया, लेकिन कौन सा सामान खरीदा गया, सामान का नाम कुछ पता है। ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम एज ए बाउचर का मोड का प्रयोग करेंगे, जिसमें आपको गुड्स का नाम पता ही नहीं है कि कौन सा मतलब सामान खरीदा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपको मोड को चेंज करना पड़ेगा, एज ए बाउचर का मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
एज ए बाउचर मोड का प्रयोग करना होगा, ठीक है। और इसका भी मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस एच ही बटन आपको प्रेस करना है। जैसे कि पहला इसमें ट्रांजेक्शन दिया है, करा कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन कैश विथ इनवाइस नंबर 01। मतलब ये ट्रांजेक्शन मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री में बताया भी है। करा कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया ₹20,000 से, और वो भी कैश से खरीदा जा रहा है। तो जब हम किसी गुड्स को परचेज करेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? जाएगा, कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, और कैश रियल अकाउंट है। जब हमारे व्यापार से जा रहा है तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? क्रेडिट करेंगे। और परचेज अकाउंट डेबिट होता है किसके हिसाब से? नॉमिनल के हिसाब से। इसलिए परचेज लोकल को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। एजुकेशनल मोड यहाँ पे ले लेंगे और कंट्रोल प्लस F3। ई ड्राइव यहाँ पे ले लेंगे 12 पॉइंट, बस ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले बी बटन प्रेस करके बाउचर पे आना है। अब क्या दबाना है परचेज बाउचर के लिए? क्या शॉर्टकट की है? F9। बस यहीं पे आपको F9 बटन प्रेस करना है तो ये परचेज बाउचर ओपन हो जाएगा। और यहीं पे कंट्रोल के साथ यच बटन दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस यच। कितना मोड दिखा रहा है? 3 मोड, इसमें से सिलेक्शन क्या कर लेना है? एज ए बाउचर मोड। आप पूछ रहा है सप्लायर इनवाइस नंबर, तो 01 दिया, 01 ही दिया था ना। आप एंटर करेंगे। अब ट्रांजेक्शन को पहले आप समझिएगा कि ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, तभी जाके एंट्री करिएगा। यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया कैश में और ₹20,000 से। तो जब हम किसी गुड्स को परचेज करेंगे तो कैश हमारे व्यापार से जाएगा, कैश हमारे व्यापार से जाएगा, और कैश आता है रियल अकाउंट में चूंकि एसेट्स है, पर हमारे व्यापार से जा रहा है तो इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। और परचेज लोकल का हम एक लेजर तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सा गुड्स खरीदा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? अगर गुड्स का नाम पता रहता तब दूसरा ट्रांजेक्शन, दूसरा बाउचर हो जाता, वो मतलब हम मोड को चेंज कर देते। लेकिन अभी हमको गुड्स का नाम नहीं पता है तो परचेज लोकल का ही हम यहाँ पे बनाएंगे। इसमें बताया भी गया है, करा कि क्रिएट ए न्यू लेजर, किसका? परचेज लोकल का। और अंडर में क्या रखेंगे? परचेज अकाउंट्स। और फिर कह रहा है कि गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, बाउचर पे जाएंगे, परचेज बाउचर ओपन करेंगे और मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस यच दबाएंगे और वहां से सिलेक्शन करेंगे एज बाउचर मोड। तो चलिए यहाँ पे पहला क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? क्रेडिट ना, तो क्रेडिट किसको करना है? कैश को। तो कैश को जब हम क्रेडिट करेंगे परचेज करते समय तो कैश का बैलेंस हमारा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? हाँ, डिक्रीज होगा, क्योंकि कैश हमारे व्यापार से जा रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है 23,10,445 और ₹20,000 का सामान आपने परचेज कर लिया, तो इतना पैसा यहाँ पे कम होगा ना। तो कम होकर के बच गया कितना? 22,90,445 कैश आपके पास बचा हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए एक बार और, जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है ट्रांजेक्शन में, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया ₹20,000, वो भी कैश से खरीदा गया। तो जब हम किसी गुड्स को खरीदेंगे तो कैश हमारे व्यापार से जाएगा ना, और कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में ये कहता है कि जो धन वस्तु व्यापार से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसलिए परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, और कैश रियल अकाउंट है तो हमारे व्यापार से जा रहा है तो क्रेडिट होगा ना। क्या होगा? क्रेडिट होगा। इस आधार पे हम यहाँ पे कैश को क्या कर देंगे? कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे कैश। और कैश का भी प्रेजेंट में जो बैलेंस आपका दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है 23,10,445, तो 20,000 इसमें से माइनस होगा ना। तो 20,000 जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये कैश का बैलेंस इतना कम हो जाएगा। देखिए अब करंट बैलेंस आपका दिखा रहा है ₹22,90,445। अब क्या परचेज हो रहा है? तो गुड्स का नाम तो पता है नहीं, तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे परचेज लोकल। क्या लिखना है? अब एंटर करेंगे किसके अंतर्गत आएगा? परचेज अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करिएगा, इसको भी नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा। अब कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिएगा।
अभी इसमें कितना बैलेंस दिखाने लगा पर्ची लोकल में? 20,000 रुपया। बस इसी को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन, हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या दिया है, देखिए सेकेंड ट्रांजेक्शन यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर आरएस 30,000 ऑन कैश फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट नगर पटना कुशीनगर। जीएसटी नंबर इसका दिया है विद इनवॉइस नंबर 02। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स परचेज किया गया 30,000 रुपये कैश से, और किससे? रमेश ट्रेडर्स से। तो जब हम रमेश ट्रेडर से गुड्स परचेज करेंगे तो रमेश ट्रेडर्स हमारे व्यापार का क्या होगा? सप्लायर होगा। तो इसका तो पहले लेजर बनाना पड़ेगा ना। तो जब रमेश ट्रेडर से परचेज किया जाएगा तो रमेश ट्रेडर्स देने वाला हो जाएगा ना। तो रमेश ट्रेडर्स जब देने वाला हो जाएगा तो देने वाला है तो किस में लेके आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। और देने वाले को बोला जाता है गिवर, और गिवर का नेचर क्या होता है? क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसलिए रमेश ट्रेडर्स को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और गुड्स का नाम नहीं पता है तो किसका बनेगा? परचेज लोकल का। तो परचेज लोकल अकाउंट हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस नंबर में 2 रखेंगे, फिर एंटर करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट पूछा जा रहा है, यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइएगा, और यहाँ पे आपको भरना है रमेश ट्रेडर्स। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। किसके अंतर्गत आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। आप एंटर करिएगा, और यहाँ पे इसका कहाँ दिया है एड्रेस? कहाँ दिया है? पड्रोना, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट नगर पड्रोना, ट्रांसपोर्ट नगर पड्रोना कुशीनगर, पड्रोना कुशीनगर। अब इसका जीएसटी नंबर भी दिया है, एंटर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर भरेंगे 09 AP MP V 123 1 M जेड 1 ZD। एंटर करेंगे। देखिए अब इसमें चूंकि परचेज कर रहे हैं लेकिन हमको गुड्स का नाम नहीं पता है तो यहाँ पे हम रखेंगे परचेज लोकल। लेकिन कितने रुपए से परचेजिंग हो रहा है? 30,000 यहाँ पे मेंशन करेंगे, 30,000 बैलेंस समझिए। फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस में 30,000 शो होने लगा। अब यहाँ पे हम ले लेंगे परचेज लोकल, तो परचेज लोकल का बैलेंस कितना दिखाएगा? 30,000 में से 20,000 10,000 परचेज लोकल का बैलेंस इंक्रीज होगा ना इसमें 50 हो जाएगा। तब। यस सर, देखिए अब इसका जो परचेज लोकल का जो बैलेंस आपका दिखाएगा ये टोटल 50,000 रुपया, क्योंकि इसके पहले मैंने 20,000 रुपया लग किया था और 30,000 और जाकर के जुड़ गया, इसलिए टोटल बैलेंस हमारा कितना दिखा रहा है? 50,000। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है आइटम इनवॉइस मोड। मात्र 2 ही ट्रांजेक्शन दिया था, अगला दिया है आइटम इनवॉइस मोड। कह रहा है कि इस मोड का प्रयोग हम इन्वेंट्री डिटेल्स जैसे स्टॉक आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आदि इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, और बाउचर मोड से आइटम इनवॉइस मोड में जाने के लिए। अरे अरे पार्टी का नाम दिया है ना, पार्टी तब जब पार्टी का नाम दिया तो क्यों रखेंगे उसको? जब पार्टी का नाम नहीं दिया रहता तब तो हम कैश को जिक्र करते। अगर ये रहता एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर कैश RS 30,000, ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया होता, यहाँ पे लिखा गया होता इनवॉइस नंबर 02, तब यहाँ पे रमेश ट्रेडर्स का कुछ नाम मेंशन नहीं करते। तो चूंकि यहाँ पे दिया गया है कि रमेश ट्रेडर से ही खरीदा जा रहा है तो रमेश ट्रेडर्स हमारे बिजनेस का सप्लायर हुआ ना, तो कैश रखेंगे क्यों? रमेश ट्रेडर्स को ही क्रेडिट करेंगे, वही हमारा देने वाला हो गया। तो अगर कैश रहेगा तो रियल अकाउंट का हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे रमेश ट्रेडर्स दिया है तो पर्सनल अकाउंट का फार्मूला लगा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड क्या होता है, तो कह रहा है कि इस मोड में हम इन्वेंट्री डिटेल्स जैसे कि स्टॉक आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आदि इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, और कह रहा है कि बाउचर मोड से आइटम इनवॉइस मोड में जाने के लिए Ctrl+H बटन प्रेस करना होता है। जब आपको आइटम नाम पता हो, जब आपको आइटम नाम पता हो कि कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, कितना रुपया इसका रेट है, तो इसके लिए आपको आइटम इनवॉइस मोड में आपको एंट्री करनी होती है। समझ में आ रहा है ना? इससे जस्ट अपोजिट है, उसमें तो आइटम का नाम दिया नहीं था लेकिन इसमें आपका आइटम नाम दिया रहेगा, और जब भी इस मोड में आपको आना हो तो कंट्रोल के साथ H बटन दबाना होता है।
जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कह रहा है कि परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम द रमी स्टेटस ऑन क्रेडिट विथ इनवॉइस नंबर 21 और गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। और क्या क्या गुड्स परचेज हो रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ गुड्स परचेज किया गया किससे, रमेश ट्रेडर से। और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर 21 है और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस में। और क्या क्या गुड्स खरीदा गया है, तो कह रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, कितना पीस, 2 पीस, और पर क्वांटिटी का रेट 21,000 रुपया, तो 2 क्वांटिटी का रेट कितना हो जाएगा, 42,000। फिर कह रहा है कि सोनी MDR-XB450 खरीदा गया 3 पीस, और एक क्वांटिटी का रेट 1200 रुपया, 3 क्वांटिटी का रेट 3600 रुपया। तो इसमें कह रहा है कि इसमें हम CGST और SGST का लेजर भी बनाएंगे, क्योंकि इसमें आपको GST भी लगाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट टू लेजर, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, अंडर में क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो देखिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बाउचर पे आइएगा, F9 दबाइएगा और Ctrl+H दबाना है, और कौन सा मोड लेना है, आइटम इनवॉइस मोड। इसमें आइटम इनवॉइस मोड को सिलेक्शन करेंगे। अब पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो चलिए पहले लेजर बना लेते हैं। यहां से बैक आइएगा और यहाँ पे क्रिएट पे आना है, और यहाँ पे आपको आ जाना है लेजर पे, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, CGST, जीएसटी लगाना पड़ेगा ना, CGST एंटर करिएगा, और एंटर में रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेज। इसके बाद से यहाँ पे जीएसटी ले लेना है, इसके बाद से यहाँ पे CGST ले लेना है, बस एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है, बस देखिए ऐसे ही। किसका बनाना है, यस जीएसटी, और फिर एंटर करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज हो जाएगा। इसमें अदर्स को हटा करके क्या लेना है, जीएसटी लेना है, और यहाँ पे यस जीएसटी सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे Ctrl+S एक्सेप्ट करा दें। इतना बनाने के बाद इसके बाद से आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे आ जाना है बाउचर पे, और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में 21 दिया है ना, एंटर करेंगे। फिर इसके बाद से पूछ रहा है कि पार्टी का नाम बताइए किससे खरीदा जा रहा है, तो रमेश ट्रेडर्स से खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे रमेश ट्रेडर्स, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए परचेज लोकल है कि परचेज इंटरस्टेट है, परचेज लोकल है, हाँ क्योंकि अपने जिले के अंदर इसका बिजनेस है, अपने स्टेट के अंदर है, इसलिए परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा आइटम परचेज किया गया है, तो आइटम का नाम यहाँ पे आपको बताया गया, देखिए कह रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, यहाँ पे आपको भरना है। देखिए यहाँ पे बस केवल टैप करिएगा, आ जाएगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, इसकी एंट्री पहले से किया गया है, एंटर करिएगा। अब लोकेशन क्या दिया है, यहाँ पे गोडाउन में लोकेशन भर दीजिएगा, क्वांटिटी 2 पीस और रेट 21,000 रुपया, बस एंटर करिएगा। फिर इसके बाद से दूसरा आइटम सोनी MDR-XB450, एंटर करिएगा, इसका भी लोकेशन वेयर हाउस, इसकी क्वांटिटी 3 और पर क्वांटिटी का रेट 1200 है, बस यहाँ पे 1200 भर लीजिएगा, एंटर करिएगा। अब इसके बाद से जब यहाँ पे नीचे आइएगा तब यहाँ पे लिखना है CGST, अब जीएसटी नहीं उठा रहा, चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इसमें जीएसटी नहीं उठा रहा, तो इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले परचेज लोकल पे आप जाइएगा, और यहीं पे कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाइएगा, क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ इंटर बटन, एंटर करके नीचे आइएगा, और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे अप्लीकेबल कर लेना, इसको देखिए अप्लीकेबल कर लीजिएगा, बस एंटर करिएगा। यहाँ पे आप जीएसटी आपका उठाने लगेगा, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि जीएसटी कहाँ से दिक्कत आ रही है, यहाँ पे आपको चेक करना होगा। देखिए 37-41-04 जीएसटी आया है, 41-04, फिर यहाँ पे ले लीजिएगा यस जीएसटी, ये भी आ जाएगा 41-04। देखिए ट्रांजेक्शन में देखिए कितना जीएसटी आया हुआ है, 41-04 आपका आना चाहिए। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1,000 लिखा हुआ है गलती से, इसको 1200 बना लीजिएगा, इसमें ट्रांजेक्शन में 1,000 नहीं 1200 होना चाहिए, क्वेश्चन में तो 1200 दिया है ना, हाँ 1200 बना लीजिएगा। तो 1200 के हिसाब से ट्रांजेक्शन करेंगे तो 41-04 आपका क्या आ जाएगा, CGST और यस जीएसटी आ जाएगा। और एक चीज क्लियर करिए, इधर देखिए, इधर इधर देखो, जैसे कि अगर आपको ये पता करना हो कि कभी कभी किसी आइटम में जीएसटी नहीं लगा रहता, और ये आपको पता करना हो कि आइटम में जीएसटी लगा है कि नहीं लगा है,
तो किसी भी पार्टिकुलर आइटम को सिलेक्शन करिएगा और यहीं पे अल्ट के साथ ए बटन दबाइएगा। क्या दबाना? अल्ट के साथ ए, और पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F1 बटन दबा लीजिएगा। देखिए सब में बता रहा है कि 18-18% जीएसटी लगा है। अगर जीएसटी नहीं उठाता है तो चेक करने के लिए आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो सब में जीएसटी इक्वल है, बस यहाँ से एक्सेप्ट करा लेना है। बस यहाँ से बैक आइएगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा इसको। देखिए अब ऐसे ही ट्रांजेक्शन आप करिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अगला मोड हम कल की क्लास में बताएंगे। कोई दिक्कत तो पहले इतना कंप्लीट करिए। बताया आप देखने के लिए अल्ट प्लस इंटर अल्ट प्लस F1, जिसका भी जीएसटी चेक करना है, जैसे कि परचेज वाउचर मैंने किया है ना, यहाँ से बैक आ जाइएगा। अब हम कैसे जांच करेंगे कि इस समय तक मैंने कितना ट्रांजेक्शन किया है? इस समय तक जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है कैसे जांच करेंगे? हाँ, गेटवे ऑफ टैली पे आना है और यहाँ पे आपको डेबुक पे आ जाना है। इतना सारा ट्रांजेक्शन मिल गया लेकिन आपको केवल परचेज वाउचर का देखना था, तो यहाँ पे F4 बटन दबा दीजिए। यहाँ पे केवल परचेज वाउचर को ही सिलेक्शन करिएगा। ये केवल पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन आपको बता देता है। अभी तक परचेज वाउचर में 3 ट्रांजेक्शन मैंने किया है, यही बता रहा है ना? देखिए देखो यहाँ पे सबसे पहले बैक आना है, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे डेबुक पे और एंटर करेंगे और यहीं पे F4 बटन दबा देंगे और यहाँ से वाउचर को सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि हमको परचेज वाउचर जांच करना है तो परचेज वाउचर सिलेक्शन करेंगे। अब किसका चेक करना है? तीसरे नंबर का ट्रांजेक्शन है ना, इसको चेक करना है। देखिए अब इसी पे आपको चेक करना है कि जीएसटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले आइटम को सिलेक्शन कर लीजिएगा और अल्ट के साथ ए बटन दबाइएगा। फिर पूरा डिटेल चेक करने के लिए अल्ट के साथ F1 बटन दबा लीजिएगा। देखिए इसमें बता रहा है कि 18-18% जीएसटी लगा हुआ है। अरे 18 लगता है तो 9% CGST और 9% SGST, ये सब आपको यहाँ पे शो करके दिखाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। तो इतना ट्रांजेक्शन कंप्लीट करिए, शेष कल की क्लास में हम लोगों ने जाना जाना जाएगा। अगली क्लास में ये मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया? अगला जो ट्रांजेक्शन है ये है आपका अकाउंट इनवॉइस मोड, इसको हम कल की क्लास में बताएंगे। ठीक है, इतना पहले कंप्लीट करिए।